इंदौर के जयरामपुर पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान भाजपा के पार्षद भी पहुंचे, लेकिन निगम के अमले ने किसी भी राजनीतिक हस्तक्षेप से दूर ये रिमूवल की कार्रवाई को जारी रखा। आपको बता दें कि बुधवार सुबह करीब 11 बजे जयरामपुर पर निगम की रिमूवल अतिक्रमण हटा रही थी और इसी दौरान भाजपा की पार्षद कंचन गिद्वानी भी मौके पर पहुंच गई और एक समर्थक के मकान को बचाने की पुरजोर कोशिश की और काफी जद्दोजहद के बावजूद भी निगम के आला अधिकारियों ने उन्हें समझाइश दी। वहीं जयरामपुर निवासी गिरीश कथूरिया ने अपने मकान को अंतिम समय तक अतिक्रमण से बचाने के प्रयास किए। वहीं अतिक्रमण दस्ते के सामने उन्होंने लंबी जद्दोजहद भी की। हालांकि पार्षद और कथूरिया की जद्दोजहद काम नहीं आई और अंततः रिमूवल ने दोपहर करीब 12:30 बजे उनके मकान का सेंट्रल लाइन की जद में आने वाला हिस्सा हटा दिया। जब ये रोड बन जाएगा ना थोड़ा, फिर लोगों को समझ में आएगा कि ये चीज़ बहुत अच्छी हुई, लेकिन थोड़ा सा समय इनको आधे घंटे का समय ये दे देते तो ये अपने हिसाब से, क्योंकि ये नई बिल्डिंग बनी है अभी। ये किसकी है मैडम? ये गिरीश कथूरिया जी मेरे कार्यकर्ता भी हैं और बहुत सज्जन भी हैं, बहुत सज्जन कार्यकर्ता है और मैं जो बोलूँगी वो करेंगे भी। और मेरा बस बताई जा रही है, नहीं 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 लालमानी जी भी नहीं है ये, तो जो ऐसे आपत्ति ले रहे हैं तो उनको मैं थोड़ा बोल रही हूँ 5-10 मिनट का समय दो, उनको हटाएं, क्योंकि हटाना तो ज़रूरी है, वो तो हटेगा, क्योंकि 2-4 दिनों में छोड़ थोड़ी सकते हैं, वो तो हटेगा, लेकिन कुछ तो हटेगा पर लोगों को तो एकदम इतनी पुरानी संपत्तियाँ जो टूटती है तो लोगों को दर्द तो होता है, पर ये लोग इनको बाद में समझ में आएगा कि रोड इतना छोड़ा होगा, अपनी इंदौर शहर स्मार्ट सिटी बन गई, इसमें थोड़ा इनको लगेगा।